नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हर एग्ज़ाम में, या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या एसएससी सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सिविल कोर्ट हो, यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, पुलिस लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है ओलंपिक। अभी हम आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 पढ़ाने वाले हैं। यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक यानी ओलंपिक का इतिहास बताने वाले हैं, ओलंपिक का भविष्य बताने वाले हैं कि भविष्य में कहाँ इसका खेल होने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं। और इस चैनल पर मात्र 5 मिनट का वीडियो आता है और वहाँ से आपका एक नंबर कन्फर्म करा कर जाता है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि पढ़िएगा कहीं से, क्वेश्चन पूछेगा यहीं से। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा है आधुनिक ओलंपिक जो खेल है। पहले ओलंपिक के बारे में जानिए। ओलंपिक खेल का शुरुआत ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो खेल है 394 ईस्वी तक चला, उसके बाद बंद हो गया। और उसी टाइम से यह खेला 4 वर्ष के अंतराल पर हो रहा था। फिर आधुनिक खेल ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है और इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को एथेंस यानी फ्रांस में होती है। और यह खेल कितने वर्ष में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसका मुख्यालय लोसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक समिति के प्रथम भारतीय महिला सदस्य, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ओलंपिक समिति के प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है, नीता अंबानी 2016 में बनी। 32वें ओलंपिक यानी 2020 वाला जो ओलंपिक है ये टोक्यो जापान में होता है। 33वें नंबर का यानी 2024 में जो ओलंपिक है पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 35वां नंबर का जो आपको आपका ओलंपिक है वो 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। यहाँ तक समझ गए। ओलंपिक का जो अध्यक्ष है थॉमस बॉक है, ये 2013 से है, अभी भी यही है। अब आ जाइए टोक्यो ओलंपिक 2020, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, यहाँ से एक नंबर का जरूर पूछेगा। देखिए ओलंपिक के बारे में पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा, ओलंपिक खत्म नहीं होगा। यहाँ हम ओलंपिक के बारे में वो चीज़ पढ़ाएंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी चीज़ नहीं पढ़ना है। टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक है, 32वें नंबर का ओलंपिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ होता है, टोक्यो जापान में होता है। ये कब स्टार्ट होता है, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में होता है, क्योंकि 2020 में होने वाला था, कोरोना के कारण डिले हो गया और ये खेला 2021 में होगा। इसका शुभंकर कौन था, मिराई तोवा। भारतीय ध्वजवाहक कौन था, एमसी मैरी कॉम। यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा गया है सब एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जानिए कि कौन सा देश का क्या स्थान रहा। आपसे पहला स्थान पूछ सकता है, दूसरा स्थान पूछ सकता है, और भारत का स्थान क्या था यही पूछ सकता है, सबका स्थान नहीं याद रखना है। देखिए एक नंबर पर अमेरिका था, इसने 39 स्वर्ण 41 रजत और 31 कांस्य के साथ 113 कुल पदक जीता था। आप इसको नहीं याद करना है अमेरिका चीन का। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन था, तो अमेरिका था 113 पदक जीतकर। दूसरा स्थान पर चीन था 88 पदक जीतकर, 38 स्वर्ण 32 रजत 18 कांस्य जीता था। 48वें नंबर पर भारत का स्थान था। भारत का स्थान कितने नंबर पर था, 48वें नंबर पर। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत जीता और 4 कांस्य पदक जीता, यानी भारत ने कुल कितना पदक जीता, 7 पदक जीता। भारत वाला हर हाल में, भारत का एक एक पॉइंट याद रखिएगा। एक तो जो भारत ने स्वर्ण जीता वो कौन जीता, नीरज चोपड़ा। इसका खेल क्या था, एथलीट्स था यानी कि भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का खेल क्या था, भाला फेंक।
दो ठो रजत पदक आया भारत में, वो कौन कौन लाया, एक लाई मीराबाई जो भाला तोलन में लाई और दूसरा था रवि दहिया जो कुछ क्या चीज़ में लाया, कुश्ती में लाया। और चार भारत ने कांस्य पदक लाया, चार कांस्य पदक कौन कौन है, एक था बजरंग पुनिया जो कुश्ती में लाया, दूसरा था एल बालगोहन जो मुक्केबाजी में लाया, तीसरा था पी सिंधु जो बैडमिंटन में लाए, और चौथा था भारतीय हॉकी टीम पुरुष वाला हॉकी टीम लाया। ठीक, ये था आपका ओलंपिक का पूरा इतिहास से लेकर भविष्य तक। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लिखिएगा, ले लीजिए, क्योंकि अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, क्योंकि बोर्ड पर जितना भी पॉइंट लिखा गया सब महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले चुके होंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।